नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार। इस वीडियो में डाइडियोक्सी मेथड और उसको सेंगर मेथड भी कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। इस मेथड का इस्तेमाल हम लोग डीएनए की सीक्वेंसिंग करने के लिए करते हैं और इसका बेसिक प्रिंसिपल को समझते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पर, सिद्धांत पर काम करता है। तो डीएनए सिंथेसिस करने के लिए आपको चाहिए क्या? डीएनए पॉलीमरेज चाहिए और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए और लेवल प्राइमर चाहिए। लेकिन अगर आप डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड के जगह आप डाइडीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड डालते हैं तो रिएक्शन टर्मिनेट कर जाता है। कारण क्या कि डाइडीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड के थ्री पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद नहीं होते हैं, जिस वजह से कोई भी फर्दर एडिशन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि थ्री ग्रुप पर डाइडीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड में हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद नहीं होते हैं। यही सिद्धांत है कि रिएक्शन टर्मिनेट कर जाता है। कैसे करते हैं? आप कोई अननोन सीक्वेंस लीजिए जिनका सीक्वेंसिंग करना, उसमें प्राइमर डालिए और डीएनए सिंथेसिस के लिए जो भी चीज की जरूरत हो ऐड कीजिए, जैसे डीएनए पॉलीमरेज और डिफरेंट तरह के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, जैसे डीएटीपी, डीसीटीपी, डीटीपी डालते हैं। साथ साथ इस रिएक्शन को चार भाग में बांट देते हैं और ईच में आप डाइडीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और दूसरे में डाइडीडॉक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट लेते हैं और डाइडॉक्सी थायमिन ट्राइफॉस्फेट लेते हैं, डाइडीऑक्सी जीटीपी लेते हैं और आप रिएक्शन को करने के बाद आप जेल पर रन करते हैं और जेल पर रन करने के बाद आप उसको क्या करते हैं, जेल को रन करने के बाद उसको एनालिसिस करते हैं, उसका पिक्चर लेते हैं जेल पिक्चर का और हम इसको पढ़ते हैं। पढ़ते कैसे हैं ये भी बहुत काफी महत्वपूर्ण है। आपने जो पहला जो जेल रन किया है लेन ए, आप वैसे जेल को न्यूक्लियोटाइड लेंथ को पढ़ रहे हैं जिसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के चलते टर्मिनेट किया, डाइऑक्सी एडिनो डीडी एटीपी के चलते टर्मिनेट किया और ये सी ठीक उसी तरह इसके चलते जो टर्मिनेट किया, ठीक उसी तरीके से ये तीसरा लेन है डीडीपी टीटीपी के चलते जो टर्मिनेट किया और डीडीपी जीटीपी के चलते जो टर्मिनेट किया। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? बिल्कुल आप इसको नीचे से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नीचे से पढ़ते हैं। नीचे से कहां से पढ़ रहे हैं? जो कि जैसे यहां पर देख रहे हैं टीटीजीटी, तो ये तो आपका प्राइमर है। अब आगे पढ़ेंगे जो है, यहां पर सबसे पहले देख रहे हैं सी सबसे नीचे है, फिर जी और फिर ए और उसके बाद आप देख रहे हैं जी और जी के बाद क्या ऊपर टी सी ए। तो बेसिकली आपने पढ़ा क्या, 5' से 3' को पढ़ा। ये वास्तव में क्या है? डीएनए सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। डीएनए सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 5 से 3 पढ़ा आपने और सीक्वेंसिंग भी जो कर रहा है इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को सीक्वेंसिंग कर रहा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसको उल्टा तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऊपर से इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस को टी ए किसे कॉम्प्लीमेंट हुआ टी और सी किसे होगा जी, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं टी जी। तो वास्तव में अगर इसी सीक्वेंस को आप उल्टा लिख दें तो वास्तव में अननोन सीक्वेंस का एक सीक्वेंसिंग हो जाएगा इधर से 5 से 3'। आई होप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो की सूचना तुरंत प्राप्त हो। अपना कॉमेंट या सुझाव कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका कॉमेंट हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक यू।